क्या सचिन पायलट होंगे कांग्रेस अध्यक्ष की टीम में शामिल? राजस्थान में भी होगा ऊंचा स्थान। फुल एक्टिव मोड में आए सचिन पायलट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में शामिल होने की खबर आने के बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पायलट जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति में महासचिव के रूप में शामिल होंगे और कांग्रेस की शीर्ष टीम का नेतृत्व करेंगे। दूसरे वर्ग को भरोसा है कि उन्हें अच्छी भूमिका मिलेगी और राजस्थान में उनका स्थान पहले से ज्यादा ऊंचा होगा। दरअसल सचिन पायलट कुछ दिनों से जयपुर में हैं और पार्टी की बैठकों और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। अब जानते हैं, कुछ महीने पहले तक वो इस बात को टाल रहे थे। उन्हें हाल ही में राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में देखा गया था। इसके अलावा पीसीसी में देखा गया, जहां उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित किया और उन्हें मैदान में पसीना बहाने के लिए कहा। दिल्ली में पार्टी अलाकमान से मुलाकात के बाद से सचिन पायलट बदले हुए से नजर आ रहे हैं। वो जहां खुले तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने पार्टी को ये भी आश्वासन दिया कि पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी उन्हें ऑफर दिया जाएगा, वो उसे स्वीकार करेंगे। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा था, गहलोत सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट के पास खुश होने की एक और वजह है। उन्हें खुशी है कि पार्टी नेतृत्व ने उनकी मांगे मान ली हैं और राज्य सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने वाला कानून लाने की घोषणा की। अब सवाल पूछा जा रहा है कि सचिन पायलट ने केंद्रीय नेतृत्व के सुझाव को क्यों स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि उन्हें जो भी भूमिका दी जाएगी वो स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच में वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की सक्रियता की भी खूब चर्चा हो रही है। सोनिया बेंगलुरु में होंगी, जहां विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। अब बात वही है कि क्या इस बैठक के बाद कुछ और बदलाव आएगा, ये एक और सवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में उठ रहा है। पार्टी अलाकमान पहले ही घोषणा कर चुका है कि पार्टी बिना सीएम चेहरे के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि सचिन पायलट को क्या भूमिका मिलती है। पहले उन्हें अन्य विभागों के साथ ही डिप्टी सीएम का पद भी दिया गया था, हालांकि उन्होंने राज्य नेतृत्व के खिलाफ खुलेआम विद्रोह किया था। विद्रोह के बाद भी उन्हें दिल्ली में केंद्रीय टीम में पद की पेशकश की गई थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट ने उन सभी पदों को अस्वीकार कर दिया और राजस्थान में ही रहने पर जोर दिया था। अशोक गहलोत खेमा उन्हें कोई भूमिका देने के बिल्कुल भी पक्ष में नजर नहीं आता है। हालांकि लड़ाई पूर्वी राजस्थान की सीटों के लिए भी खूब है, जहां पर गुर्जर काफी प्रभावी है और बीजेपी इन सीटों पर पूरा फोकस कर रही है। ऐसे में सचिन पायलट के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस पर आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।